मैं लेकर के आया हूँ आपको गुफा वाला मंदिर जो कि शालीमार बाग दिल्ली के अंदर स्थित है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसको मैं आज एक्सप्लोर करके पूरा दिखाऊंगा और आपको मेरे साथ रहना है, साथ में कमेंट करते रहिएगा, जय माता दी लिखते रहिएगा। ये देखिए दोस्तों, बाहर से कितना सुंदर मंदिर है ये। इसको सनातन धर्म मंदिर के नाम से भी जाना जाता है शालीमार बाग में। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और चल के दिखाते हैं कैसा है ये मंदिर, गुफा वाला मंदिर माता वैष्णो देवी। ये देखिए सामने राम दरबार, विष्णु भगवान दरबार कह सकते हैं इसमें, जिसमें राम जी की मूर्ति भी है और राम परिवार और कृष्ण जी राधा जी के साथ। दर्शन कीजिए, राधे राधे, जय श्री राम, राम परिवार पूरा। अभी अभी मैंने आपको मेन मंदिर दिखाया था, यहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी के साथ में और राम जी अपने पूरे परिवार के साथ में विराजमान हैं। माता रानी वैष्णो देवी भी थी यहाँ पर शेर पे सवार, और भोले बाबा जी के दर्शन भी कराए थे मैंने आपको, और श्री बालाजी महाराज के भी दर्शन कराए थे। अब चलिए, अब हम चलते हैं गुफा की तरफ। ये रास्ता है गुफा से जाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं गुफा के अंदर और बहुत ही प्यारा मंदिर है। देखिए बाहर से आप देख रहे होंगे कितना ही सुंदर और अच्छा लग रहा है, जैसे बिल्कुल जैसे माता रानी के दरबार में ऊपर पहुंच जाते हैं वैष्णो देवी में, वैसे ही यहाँ पर लुक आ रही है। चलिए चल के माता रानी के दर्शन करते हैं गुफा के अंदर। जय माता दी। तो यहाँ पर वैष्णो माता जी की गुफा बनाई हुई, जैसे जम्मू में वैसी बनाई हुई है। वैसे जम्मू है ना। आपका नाम क्या पंडित जी? नरेंद्र पंडित। नरेंद्र पंडित जी हमारे साथ में है। सीताराम बोलते हैं। अच्छा, सीताराम जी प्यार से बोलते हैं। तो पंडित जी हमें मंदिर के बारे में बता रहे थे कि ये वैष्णो माता जी का मंदिर है, तो काफ़ी प्यारा मंदिर है। चलिए मैं चल के दिखाता हूँ आपको, पंडित रानी जी के दर्शन कराता हूँ आपको। जय माता दी। पंडित जी, जय माता दी। जय माता ये भक्तों,
अंदर चलते हैं। जय माता दी, दर्शन कीजिए माता रानी के। जय माता दी, जय माता दी। हम तो जम्मू में आ गए। आओ दोस्तों, जय माता दी बोलते रहो, जय माता दी लिखते रहो, जल्दी जल्दी आइए और दर्शन करने के लिए तैयार रहिए। भाई वाह, बहुत ही प्यारी गुफा है। अभी आदि मजा आ गया है, बोलते रहो साथ ही साथ जय माता दी। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल फीलिंग वैसी आ रही है ऐसे हम माता रानी के दरबार में आ गए। ये देखिए, यहाँ पर लाइट का भी अरेंजमेंट है। तो ये देखिए पिंडी शिवलिंग बनाए हुए। जय श्री शिव भोले बाबा की जय, जय शिव शंकर भगवान की जय, कृपा करो श्री भोलेनाथ जी की जय। देखिए ऊपर जैसे वैष्णो देवी में आपका वो दिखाया हुआ है शिव खोड़ी के अंदर, वैसे ही यहाँ पर ये बनाए हुए हैं पहाड़। बहुत ही अच्छा पहाड़ लग रहे हैं। चलिए आगे चल के देखते हैं और मंदिर के अंदर क्या क्या है। यहाँ पर तो शिव खोड़ी जैसी फीलिंग आ रही है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माता रानी पिंडी रानी के पास, और ये विराजमान है सामने, देखिए पिंडी रूप में भी और शेर पे सवार पे भी हैं। तो यहाँ पर दर्शन कीजिए माता रानी के, और जो भी विश मांगनी है आपको यहाँ पर पूरी होती है, आप अपनी विश मांग सकते हैं, पूरी करेंगी माता रानी। और आप यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आए, कमांड में मुझे लिखते रहें जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलिए अब दोस्तों बाहर चलते हैं, और ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं क्या है। ये भैरव बाबा हैं, भैरव बाबा जी के दर्शन कीजिए। जय भैरवनाथाय नमो नमः। जय श्री बाबा। वैष्णो देवी के बाद भैरव बाबा की दर्शन करने जरूरी है, कहते हैं तभी यात्रा पूरी होती है। तो इसलिए हम भी दर्शन करते हैं माता रानी के। आइए भक्तों, जगत पिता के दर्शन कराता हूँ आपको। जगत पिता आप जानते हैं कि नहीं, कहते हैं जगत पिता, जगत पिता कहते हैं देवों के देव महादेव। जय शिव शंकर भगवान की जय, शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों दर्शन कीजिए जगत पिता, और माता पार्वती अन्नपूर्णा माता रानी साथ में है। यहाँ पर देखिए भोले बाबा जी के साथ में नंदी जा रहे हैं, माता रानी के साथ में शेर है। बहुत ही प्यारे दर्शन है। तो दिखाइए, ये सामने आपके पीछे भगवान सेना के एक सैनिक बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों, भवन बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया हुआ है। अभी भी यहाँ आए, यहाँ पर शालीमार बाग में NSP नेताजी सुभाष पैलेस मेट्रो स्टेशन है पास में, पर वहाँ से आप रिक्शा या ऑटो करके आ सकते हैं, आराम से इजीली पहुँचा जा सकता है। मैं आपको लोकेशन में इसके लोकेशन डाल दूँगा, तो आप तो देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बाकी क्या है।
कितनी अच्छी नक्काशी की हुई है, में ऐसे लग रहा है ऐसे रुद्राक्ष लगे हुए हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ, ये देखिए जड़ें बनाई हुई हैं, है तो आप यहाँ पर चरण पादुका बनी हुई है माता रानी की। यहाँ पर माता रानी ने रोक के देखा था, इस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है चित्रण को। तो ये मंदिर बनाया हुआ चरण पादुका आप दर्शन कर सकते हैं। आचार्य शिव कुमार जी पंडित जी हमारे साथ में हैं, तो मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे हमको और इस मंदिर के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है इस मंदिर का इतिहास क्या है। तो पंडित जी हमारे सामने थोड़े से अपने विचार रखेंगे मंदिर के बारे में। जी पंडित जी, बड़ा प्राचीन मंदिर है, माँ भवानी का बहुत ही दिव्य दरबार है और इच्छापूर्ण मंदिर है। इच्छापूर्ण मंदिर है, लोगों की जो जैसी इच्छा होती है, जो भी कामना मांगेंगे वो पूरी होगी और यहाँ पर फिर मत्था टेकने आते हैं पंडित जी के अनुसार अपनी मन मनोकामनाएं। जैसे ये पेड़ है बरगद का, इसके ऊपर ये जो चुनिया बनी हुई है नन्ना पे की चुनिया, ये उन लोगों की मन्नतों की चुनिया है, ये पूरी हो जाएगी पूरी होने के बाद, वो खोलने के बाद। और मंदिर को और भी भव्य दिव्यता जैसा आज आप देख रहे हो, कमेटी का बड़ा अच्छा होता है और भी दिव्य इसको बनाने की तैयारी, कमेटी का अच्छा सहयोग है मंदिर बहुत अच्छा, बहुत दिव्य इसको भव्य बनाने की तैयारी है, ऊपर से भी आगे से भी बिल्कुल शोभनीय बनाने वाले हैं ना, बिल्कुल बहुत अच्छे उसके द्वारा बनाया जा रहा है। जैसे गुफा हमारी बनाई थी जो ये हमारी गुफा बनाई गई थी, इसके लिए हाँ विशेष कारीगर बुलाए गए थे इसके लिए। अच्छा, बाहर से बुलाए गए, बाहर से सब कारीगर थे जम्मू से। और माता वैष्णो का जैसे धाम जो लोग जा नहीं सकते वो यहाँ पर दर्शन करें, वो दर्शन करने आते हैं और दूर दूर से आते हैं, लोग बताते हैं उनकी इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं तो माता प्रसाद भोग लेके आते हैं। और जो भी श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिर में किया गया दान, एक ही पैसा व्रत में भगवान के ही काम में निर्माण में लगता रहता है, मंदिर का निर्माण मंदिर में। हाँ, जैसे अब निर्माण चला हुआ है और बहुत ऊपर ऊंचा मंदिर, दिल्ली के अंदर ऐसा भव्य मंदिर नहीं आसपास नहीं, बिल्कुल नहीं। और माँ की ऐसी कृपा है भक्तों के ऊपर, जो आते हैं बताते हैं जैसा भी दुख होता है अपना सुख के साथ माँ के दरबार में आने के बाद सभी कभी सफल हो जाए ऐसा माता। चलिए पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मंदिर के बारे में जानकारी दी। माता रानी आपके ऊपर सदा कृपा बरसाएं, आपके ऊपर बनाए रखे, भक्तों के ऊपर बनाए रखे और भक्तों का काम ऐसे सफल होते होता रहे, बस माँ की ठीक है दुआ। ठीक है पंडित जी, ठीक है, माई मेरी सच्चियां जोत वाली माता तेरी सदा ही है, बोल साचे दरबार की जय। जय बहुत।